गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लास। बच्चों आज हमारा जीके का टर्न है। जीके के टर्न में बच्चों हम पढ़ेंगे आज 25 चैप्टर्स इन द पार्क। ठीक है, हमारा चैप्टर का नाम क्या है बेटा? इन द पार्क। बच्चों आप पार्क जाते होंगे घूमने अपनी मम्मी के साथ, पापा के साथ, सिस्टर के साथ, है ना? जाते हो ना आप अपनी रिलेशन के साथ। जब आपकी फैमिली में कोई रिलेशन वाले आते हैं तो आप कहाँ पर जाते हो घूमने अपना मन लगाने के लिए? पार्क में जाते होंगे, है ना? तो सुबह शाम बहुत अच्छा मौसम होता है तो अधिकतर पार्क जब जाते हैं हम सुबह को जाते हैं या फिर शाम के टाइम जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं इन द पार्क, यानी पार्क में क्या क्या चीज होती हैं। ठीक है, क्या क्या वहां पर हमें देखने के लिए मिलता है, आइए हम पढ़ते हैं इन द पार्क। बच्चों देखिए ये क्या है, बेंच। आप जब पार्क में जाते हो तो वहां पर इस तरह की बेंच दिखाई देती होंगी। ये किस लिए होती है बेटा? बैठने के लिए ये होती है। क्या है ये? बेंच। ठीक है, ये आपको पार्क में आपने देखी होगी और आप इस पर जाकर भी बैठते होंगे। बच्चों नेक्स्ट है फाउंटेन। फाउंटेन क्या होता है बेटा? एक फुहारा होता है और उससे क्या निकलता है? उससे पानी। देखो ये पानी निकल रहा है ना, तो ये क्या है? ये है फाउंटेन, यानी फवारा, पानी का फवारा। ठीक है बच्चों, ये भी आपने पार्क में देखा होगा और बहुत अच्छा लगता है। शाम के टाइम या सुबह के टाइम हम जाते हैं ना जब आप, तो बहुत अच्छा लगता होगा आपको भी देखने में भी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है ग्रास। आप जब पार्क में जाते होंगे तो आप घास फूस देखते होंगे ना, ग्रीन ग्रीन, कोई अलग अलग। बेटा घास भी हर तरह की होती है, कोई कांटे वाली घास होती है, कोई चुभने वाली होती है, कोई मखमल की तरह होती है, ठीक है, कोई खाने योग्य होती है जो उन्हें गाय भैंस वगैरह खाते हैं, तो वो ये क्या होती है बेटा? ये है ग्रास। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा सैंड पिट। ठीक है, ये क्या है? ये भी एक खेलने का और खाने का कुछ सिस्टम है, ये भी आपको पार्क में दिखाई देता है। नेक्स्ट है बेटा आपका स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में क्या होता है बेटा? जो आप जब जाते हो सुबह को पार्क में तो आपको नहाने के लिए कुछ ड्रग्स दिखाई देती होंगी पार्क में, कुछ मछलियां दिखाई देती होंगी, तो स्विमिंग पूल भी पार्क में होता है जिसमें नहाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा स्लाइड। स्लाइड क्या है? ये जैसे झूले, झूले देखे हैं आपने पार्क में? पार्क में क्या होता है? झूले होते हैं। ठीक है, आपने झूले देखे होंगे तो पार्क में झूला भी होता है। देखिए ये एक बॉयज है और ये गर्ल्स है, इसे क्या करिए? स्लाइड करिए, यानी ऊपर से आके नीचे को गिर रहे हैं, तो ये क्या हुआ बेटा? स्लाइड हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा फ्लावर्स। ये क्या है बेटा? ये है फूल। क्या होते हैं ये? ये होते हैं फूल। पार्क में क्या देखने के लिए मिलते हैं? फूल भी मिलते हैं बेटा। ये तो है आपका गुलाब का फूल, पर पार्क में बहुत सारे तरह तरह के फूल देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, कोई कमल का फूल, ठीक है, गुलाब का, गुड़हल का, पीला कनेर, नीला कनेर, तो पार्क में ये सब चीजें देखने के लिए हमें मिलती हैं। आइए, ये है जंगलिज्म। ये क्या है? ये भी एक तरह का गेम है बेटा। आप जैसे देखो ये चढ़ रहे हैं ना इस पे, तो ये क्या है? ये भी एक खेलने का आइटम्स है। ठीक है, ये है एक खेलने की चीज जंगलिज्म। बच्चों नेक्स्ट है हमारा शीशो। शीशो क्या होता है? ये एक आप डाउन, यानी दोनों तरफ आपको ये दिख रहा होगा। देखिए शीशो में क्या दिख रहा है आपको? ये एक तरफ बॉय बच्चा इधर बैठा है और एक बच्चा ये बैठा है। ठीक है, शीशो यानी एक नीचे होगा तो एक ऊपर होगा, एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा। ठीक है, तो ये क्या है? अप डाउन हो रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं बेटा? झूला झूल रहे हैं। ठीक है बेटा, ये भी एक पार्क में आपने देखा ही होगा। नेक्स्ट है बेटा ट्रीज। जाहिर सी बात है जब आप पार्क में जाओगे तो ग्रास मिलेगी। ठीक है, ये है ट्रीज, तो यहां पर आपको ये बहुत सारे ट्री दिखाई दे रहे होंगे बड़े बड़े से।
ठीक है। और ये रास्ता देखो कितना अच्छा लग रहा है, इधर भी ट्री है और इधर भी ट्री है, ठीक है। ये क्या है, ये आने जाने का रास्ता है। तो देखो बच्चों कितना सुहाना मौसम लग रहा है, कितना अच्छा पार्क लग रहा है। कि देखो बेटा एक बात और बता दूं मैं, ये भी क्या है, ये भी एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं, ये नहीं कि आगे पीछे। देखिए तो पार्क जो होता है बेटा वो एक ऐसा जगह है जहां पर हम एक शांत माहौल में अगर जाएं तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारा स्विंग। ये क्या कर रही है, झूला झूल रही है। तो जो झूला भी पार्क में होता है, ठीक है। आइए हम एक बार फिर पढ़ते हैं कि पार्क में क्या क्या होता है। जब आप पार्क में जाओगे तो आप ध्यान रखना कि पार्क में क्या क्या चीजें होती हैं। बच्चों ये है फर्स्ट नंबर है हमारा बेंच। ये बेंच बैठने के लिए होती है, ये एक सुंदर आकर्षक चीज, ठीक है। सुंदरता दिखाने के लिए फुहारे का यूज किया जाता है, ठीक है। ये एक अट्रैक्टिव लगता है बच्चों, ठीक है। ये एक अच्छा लगता है जब आप देखते हो, ठीक है। ये होता है बेटा फाउंटेन। फाउंटेन क्या होता है, फवारा पानी का, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है ग्रास यानी घास, ठीक है। ये अच्छा लग रहा है ना, देखो ये इस तरह से ग्रास रखी हुई है। हाँ ये है सैंड पिट, ये है स्विमिंग पूल, ये नहाने के लिए देखो ये डक इसमें क्या कर रही है, इधर उधर को घूम रही हैं। नेक्स्ट है बेटा फ्लावर्स। फ्लावर्स भी आपने देखे होंगे पार्क में, तरह तरह के फ्लावर्स होते हैं, कहते हैं ना पार्क से लेके आऊंगा फ्लावर, तो पार्क में क्या होता है, फ्लावर्स होते हैं। नेक्स्ट है बेटा जंगली जिम। नेक्स्ट है स्लाइड, ये भी एक झूला होता है। शीशो, शीशो भी क्या होता है बेटा, ये भी झूला होता है। नेक्स्ट है बेटा ट्री। जब आप उसमें जाते हो तो ट्री होता है ना पार्क में, तो ये भी एक एक सुंदरता दिखती है, ठीक है। सीक्वेंस में हो, कोई छोटे बड़े ना हो, जितनी एक रूपता होगी ना उतनी ही पार्क अच्छा लगता है। ये है स्विंग। ये लड़की क्या कर रही है, झूला झूल रही है। आइए बेटा अब हम चेक करते हैं, नेक्स्ट टाइम हो गया बेटा हमारा क्वेश्चंस टाइम, ठीक है। आपको क्या करना है, इन्हें क्या करना है, ये इसको क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले देखेंगे टिक राइट द करेक्ट आंसर। बेटा ये आपको थ्री पिक्चर्स दी गई हैं, 1 2 3। कितनी पिक्चर्स दी गई हैं आपको बेटा, थ्री पिक्चर्स दी गई हैं, ठीक है। तो थ्री पिक्चर्स में से अब आपको ये देखना है कि कौन सी ठीक है, यानी टिक द राइट आंसर्स, ठीक है। हमें क्या करना है, जो राइट पिक्चर्स है ना उस पे क्या करना है बेटा, हमें टिक लगाना है, ठीक है। आइए शीशो, ये क्या है, शीशो शीशो है ना ये, हाँ। तो ये क्या है, करेक्ट है या रॉन्ग है, ये हमारी करेक्ट है, ठीक है। ट्री, ये ट्री बताया था क्या मैंने आपको ऊपर, नहीं बताया था ना ट्री, क्या बताया था मैंने, फाउंटेन। यानी देखिए हम आपको फाउंटेन्स की पिक्चर्स दिखा देते हैं कि फाउंटेन क्या होता है, ठीक है। ये है हमारा फाउंटेन, तो अब हम राइट किस पे लगाएंगे, ये है हमारा रोंग है, ठीक है। तो शीशो पे हमने राइट लगा दिया है। नेक्स्ट है बेटा पिक्चर्स तो दिखाई दे रही है हमें फाउंटेन की, बट नीचे लिखा है ट्री, तो ये भी क्या है हमारा रोंग है। थर्ड है बेटा ग्रास, ये आपको ग्रास दिख रहा है या फ्लावर्स दिख रहा है, पिक्चर्स दी गई है बेटा फ्लावर्स की बट नीचे लिखा है ग्रास, ठीक है। तो ये भी क्या है हमारा, ये भी रोंग है। यानी क्वेश्चन टाइम्स का ये 1 राइट है, बाकी 2 रोंग है। ये आपको बेटा अपनी बुक में फिल करना है, ठीक है। आज के लिए यही काफी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, और ध्यान से इस वीडियो को सुनना है कि मैम क्या बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।